नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ई कंसल्टेंसी में। मैं हूं प्रकाश शर्मा, आपका लीगल कंसल्टेंट। और आज के जिस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो NCPUL है, NCPUL डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेजेस, ठीक है। इससे NGOs के लिए जो फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता है वर्कशॉप सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करवाने के लिए फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेजेस एंड उसी से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स होते हैं उनके लिए। चलिए अब हम लोग जान लेते हैं कि आखिर इस जो ये जो प्रोजेक्ट है NCPUL से जो ये प्रोग्राम आता है इसमें कौन कौन सी NGOs एलिजिबल होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लें कि जो NGO मैं यहाँ पे जिस NGOs की बात कर रहा हूँ इसमें ट्रस्ट, सोसाइटी, सेक्शन 8 कंपनीज ये सभी इन्वॉल्व होती हैं। बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि NGO सोसाइटी होती है या ट्रस्ट होती है या सेक्शन 8 होती है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि ट्रस्ट हो या सोसाइटी हो या सेक्शन 8 कंपनी हो, वो सोशल वेलफेयर के लिए अगर वर्क कर रहा है तो वो NGO ही होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि कौन कौन सी NGOs एलिजिबल हैं, तो सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ पर यह ध्यान में रखना ज़रूरी है कि आपकी जो संस्था है वह 3 साल पुरानी होनी चाहिए, ठीक है। और आपको इसमें से पहले, यानी कि इस जो डिपार्टमेंट है इससे पहले सेम प्रोग्राम के लिए कोई भी ग्रांट ना मिला हो, ठीक है। फिर थर्ड चीज़ जो हमारी है वह यह है कि आपके जो 3 साल के ऑडिट एनुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट्स हैं वह आपके पास अवेलेबल हो लास्ट 3 ईयर्स के, यानी कि जैसे कि 19, 20 एंड 21, ये 3 ईयर्स जो हमारी हैं इनका आपके पास ऑडिट अवेलेबल होना चाहिए। फिर हम लोग बात कर लेते हैं कि आपको इस प्रोग्राम में आखिर करवाना क्या होगा, आपको किसके लिए ग्रांट मिलेगी कि उर्दू लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए एंड उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करने के लिए आपको यहाँ से यह प्रोग्राम के लिए आपको ये प्रोजेक्ट मिलेगा। 4 स्टेप्स हैं, जो 4 प्रोग्राम्स हैं आपको आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपनी संस्था के द्वारा। सबसे पहला होगा वो होगा आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल का, सेकेंड होगा वो होगा आपका स्टेट लेवल का, एंड थर्ड होगा नेशनल, फोर्थ होगा इंटरनेशनल लेवल। जैसा कि हम लोग बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल वाले सेमिनार्स की, तो उसमें 37,500 यानी 37,500 रुपीज़ जो अमाउंट होगा वो आपको मिलेगा, आपके NGO को मिलेगा। एंड जो सेकेंड हमारा स्टेट लेवल का सेमिनार होगा उसमें आपको 75,000 रुपीज़ 75,000 रुपये आपकी संस्था को मिलेंगे। एंड थर्ड जो हमारा नेशनल लेवल सेमिनार है उसमें आपको 1.50 लाख रुपीज़ यानी कि 1.5 लाख रुपए आपको मिलेगा। एंड जो इंटरनेशनल लेवल का सेमिनार होगा, अगर आप अपनी संस्था के द्वारा इंटरनेशनल लेवल का सेमिनार ऑर्गेनाइज करवाते हैं तो आपको 4.5 लाख रुपए यानी कि 4.50 लाख रुपीज़ आपकी NGO को मिलेगा। अब यहाँ पर भी जैसे कि मैंने आपको एलिजिबिलिटी बता दी है कि आपकी संस्था 3 साल पुरानी होनी चाहिए, ऑडिट आपके पास अवेलेबल हो लास्ट 3 ईयर्स का, आपने एक्टिविटीज़ जो की हैं वो आपकी एनुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट में मेंटेन हो, नीति आयोग यानी NGO दर्पण का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है इसमें, ठीक है। एंड अगर आप नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के सेमिनार की ओर जा रहे हैं तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना ये ज़रूरी है कि अगर आप नेशनल लेवल का सेमिनार करवाएंगे तो आपको 5 स्टेट्स के मेंबर्स को यानी कि 5 स्टेट के पार्टिसिपेंट्स को बुलाना ज़रूरी होगा। और अगर आप इंटरनेशनल लेवल का सेमिनार कराना चाहते हैं तो 5 आपको जो इंटरनेशनल फॉरेन कंट्रीज़ के मेंबर्स हों या पार्टिसिपेंट्स हों आपको उनको बुलाना कंपलसरी होगा। तो अगर आप स्टार्टिंग करना चाहते हैं तो आप डिस्ट्रिक्ट लेवल या स्टेट लेवल सेमिनार की तरफ भी जा सकते हैं, और अगर आपकी NGO की थोड़ी रेपुटेशन है, वैल्यू है और आप वर्क कर सकते हैं नेशनल या इंटरनेशनल सेमिनार्स के लिए तो आप उसकी तरफ भी जा सकते हैं। जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे वो मैंने आपको बताया कि आपके जो संस्था है उसकी बायलॉज, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल्स एंड ब्रीफ प्रोजेक्ट प्रपोजल एंड एप्लीकेशन फॉर्म जो NCPUL की तरफ से अवेलेबल होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म गलत फिल किया तो आपका प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एंड सेकंड, अगर आपका जो प्रोजेक्ट प्रपोजल होगा उसमें कहीं मिस्टेक होगी या वो आधा अधूरा इनकम्प्लीट प्रपोजल होगा तो उसको विदाउट इंटीमेशन यानी कि बिना आपको बताए, बिना आपकी संस्था को नोटिफाई किए हुए आपका जो प्रोजेक्ट है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा डिपार्टमेंट के द्वारा, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगर आप नए हैं, आपको नहीं मालूम कैसे प्रोजेक्ट प्रपोजल बनाया जाता है, तो आप किसी प्रोफेशनल से मदद लीजिए। आप हमारी कंसल्टेंसी से भी अपना प्रोजेक्ट प्रपोजल बनवा सकते हैं, आपके स्क्रीन पर जो नंबर है आप उस पर कॉल करके हमारे एक्सपर्ट से सलाह ले सकते हैं। लेकिन जो हमारी कंसल्टेंसी होती है वो पेड होती है। और दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही आप तक लेटेस्ट अपडेट्स पहुँचते रहें।